नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो जैसा कि अब हम छोटे छोटे टिप्स पे भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि डिजिटल माइक को किस तरह से रिप्लेस करते हैं, वो भी इजी तरीके से। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल माइक बदलने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है। डिजिटल माइक आप निकाल तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप इसे जब लगाते हैं तो काम नहीं करता है। तो क्या प्रोसेस है डिजिटल माइक को रिप्लेस करने का, बदलने का, हम इस प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, डिजिटल माइक को निकालने के लिए आपका जो टेम्परेचर है, अगर ये माइक ख़राब है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको स्टेप बता देता हूँ कि अगर ये माइक डैमेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 300-350 में निकाल के फेंक दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन न्यू माइक लगाने में ना आपका वो माइक ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये माइक हमारी अच्छी भी है तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे कि ये डैमेज ना हो। ओके, तो चलिए हम इसको बिना डैमेज किए हुए निकालते हैं। ये ओरिजिनल माइक है मदरबोर्ड की, तो ये माइक हमारा ज़्यादातर हीट को बर्दाश्त कर लेता है। तो हम इस पर हल्का सा पेस्ट साइड से इनपुट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पेस्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो इस माइक के जो इंटरनल होल है ना, वो होल में माइक जाने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। इसको हम सबसे पहले प्री हीट करेंगे, सबसे पहला हम इसे प्री हीट करेंगे। पहले हमें प्री हीट रखना है इसे, पहले आप 10-15 सेकेंड इसे प्री हीट करेंगे। 10-15 सेकेंड आप इसे प्री हीट करें, क्योंकि बिना प्री हीट के डायरेक्ट आप हीट मारेंगे तो इसका नीचे का जो एरिया है ना वो मेल्ट नहीं हो पाता है। और माइक देखिए, एक नीचे सब बोर्ड पे रहता है, वो माइक आपका तुरंत में निकल जाएगा क्योंकि वो बोर्ड काफ़ी पतला होता है, लेकिन जो मेन बोर्ड पे माइक रहता है वो थोड़े टाइम लेंगे, ठीक है। तो कितना ईजिली ये देखिए हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका बाहर आने के बाद ये माइक तो मानते हैं कि चलिए ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया कि ये ख़राब है, सर मुझे दूसरी लगानी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस प्रिंट पे दूसरी माइक लगाएंगे तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे ना, टेम्परेचर लो कर लेंगे। इस पर हम डालेंगे हल्का सा 138, और 138 डालने के बाद सोल्डिंग से इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद इसे हम डिसोल्डर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट क्लीन हो गया। क्लीनिंग में देखिए कभी भी कमी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल रिपेयरिंग में ना फिनिशिंग ही आपका बेटर रिजल्ट आपको देता है। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो मेहनत आप बहुत कर लेंगे, सफलता कम मिलेगा, ठीक है। इसका नीचे का भी होल आपको ध्यान से सफाई कर लेना है, ये जो नीचे की तरफ हमारा होल होता है इसको सफाई ध्यान से कर लेना है, क्योंकि वो भी जाम हो जाता है आपकी पेस्ट की वजह से, तो उसे भी आपको क्लीन रखनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस पर हल्का सा आपको 138 डाल देना है, क्योंकि जो हम माइक मार्केट की यूज करते हैं वो माइक हमारा ना बहुत ही कमज़ोर होता है, उसको ना हल्की सी भी अगर हीट लग गई ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है। उससे अच्छा है कि भाई हम 138 पे अपना काम निकाल लेंगे, ताकि हमारा ज़्यादा हीट भी ना लगे और हमारा काम भी बन जाए। ठीक है, अब नीचे का देखिए हमारा टेम्परेचर लो हो गया। अब जो आप न्यू माइक खरीद के लाएंगे, ठीक है, जो आपकी न्यू माइक है, आप जानते हैं कि न्यू माइक में हमारा जो रंगा है वो लगा हुआ नहीं रहता है, वो एकदम क्लीन रहते हैं। जैसे इसमें अभी क्या है कि रंगा लगा हुआ है ना, वो क्या रहता है, एकदम बिल्कुल क्लीन रहता है। तो उस पर भी क्या करनी है, आपको हल्की सी 138 डालने हैं, उस पर भी आपको थोड़ी सी 138 एंट्री करने हैं इस तरह से, और उस 138 को माइक में मिक्स कर देना है। ये हो गया, मिक्स हो गया। अब इससे क्या हुआ ना कि हमारा नीचे भी 138 एंड ऊपर भी 138, इतनी तो समझ में आ गई होगी, नीचे भी 138 एंड ऊपर भी 138। अब दोनों जगह अगर हमारा 138 है तो कहीं ना कहीं हमारा माइक जो है इजीली कनेक्ट हो जाएगा बिना बहुत ज़्यादा हमें हीट किए, क्योंकि माइक ही एक ऐसा डिवाइस है ना कि आपके पूरी सर्किट्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी को चाहिए होता है। हाँ, ओरिजिनल माइक अगर आपके पास अवेलेबल हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में, लोकल मार्केट में जो माइक मिलता है वो कहीं ना कहीं लोकल होता है, तो वो माइक को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं लगा सकते। आप डालेंगे, लगा लेंगे,
सब ठीक है, आवाज जाना बिल्कुल कम हो जाएगा, एकदम महीन महीन आवाज जाएगा। अब हमारा क्या है कि नीचे ऊपर दोनों रेडी है, अब इसे हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने का जो इसका स्टेप है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, डेली यूज होने वाली चीज है, ऐसा नहीं है माइक तो दिन भर में एक बार आपके पास एक दो आ ही जाएंगे चेंज होने के लिए। हल्का सा हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पेस्ट डालते हैं तो वो पेस्ट क्या होता है, पिघल के चला जाता है नीचे, और नीचे जाने की वजह से आपके होल हो जाते हैं बंद, और कहीं ना कहीं आपका माइक का जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है। अब हमारा टेम्परेचर जो होगा वो मात्र होगा 250, 138 है, 238 का टेम्परेचर, 230, 240 हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम देखिए माइक हमने नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, अभी हमारा यहाँ माइक नहीं लगाया, पहले हम अभी मदरबोर्ड को प्रीहीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पीपीडी पिघल चुका है, अब हम इस पे माइक ला करके रख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिनिमम टेम्परेचर में, यानी कि मात्र 250 की टेम्परेचर में हमारा माइक कनेक्ट हो गया। अब कितनी भी अगर कॉपी माइक होगी तो इतनी टेम्परेचर में अगर आप लगा लेते हैं 250 की टेम्परेचर में, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक इजीली कनेक्ट हो जाएगा और काम भी करेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।